गुवंडी का करबला मैदान सीएए और एनआरसी के अनोखे विरोध का गवाहा बना। बोकारो के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कस्बों से बड़ी तादाद में लोगों ने सबसे पहले एक साथ मिलकर यहां नमाज पढ़ी और फिर एक साथ इफ्तारी कर अपनी यूनिटी प्रदर्शित करते हुए सीएए और एनआरसी बिल पर विरोध का इजहार किया। इस विरोध की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इस अनोखे विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं और युवतियां भी शामिल हुई, जो आम तौर पर कम देखी जाती है। सीएए और एनआरसी के विरोध को लेकर शिवंडी के करबला मैदान में उतरे एक एक शख्स, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी का एक ही स्वर था कि केंद्र सरकार यह जो बिल लाई है, यह सब मजहब आधारित बिल है जो संविधान के खिलाफ है और इसलिए सरकार ये बिल हर हाल में वापस लेने का काम करे। इफ्तार पार्टी ये बताने के लिए मुसलमानों की जो ताकत है, इफ्तार और रोज़ा रख करके हम सभी इस चीज़ का पूरे शांति के साथ विरोध कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो एनआरसी और सीएए जैसे काले कानून को बनाया गया है, उसको हम शांति से अपने तरीके से विरोध करें, रोज़ा नमाज के साथ हम सभी लोग मिल करके इसका विरोध कर रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग यही मांगे हैं कि एनआरसी और सीएए काला कानून को हटा दिया जाए, इसे सरकार वापस ले। ये धरना प्रदर्शन सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के जिन लोगों को इस मुल्क से मोहब्बत है, यहाँ के आईन से मोहब्बत है, यहाँ के संविधान से मोहब्बत है, मैं आपको बता दूं कि इस कानून से जो सरकार लाई है, इससे सिर्फ मुसलमानों को नुकसान नहीं है बल्कि हर गरीब तबके को नुकसान है, चाहे वो किसी मजहब का मानने वाला हो, नुकसान सबको है। मेरा मुतालबा सरकार से बस इतना है कि हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, उसके अंदर आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा कि उसमें ये लिखा है कि इस मुल्क में कोई कानून मजहब की बुनियाद पर नहीं बनेगा। तो हमारा सरकार से मुतालबा यही है कि जो आपने कानून बनाया है मजहब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर, आप उसके अंदर तरमीम करें और सीएए के अंदर मुसलमानों को भी शामिल करें।